जिस वहीकल की तुम अज वीडियो देख जा रहे हो यहो जहा कंटेंट तुम नॉर्मली साढ़े चैनल पर नहीं देखते तो मेरे ख्याल असी मोटरसाइकिल से रेस्टोरेशन भी बहुत घट कीतियां ने तो ये रेस्टोरेशन इन्नी ज़्यादा वधिया हुई है कि इन्हूं कोई नेकेड आई ना भी देख के नहीं कह सकता कि इस मोटरसाइकिल के कोई रीपेंट्स होए ने। एक 2015 मॉडल रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म 500cc है जिन्होंने असी रिस्टोर किया तो तुहानूं इहदी डिटेल्ड वीडियो असी हुण दिखाउण जा रहे हैं। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह ढिल्लों तो तुसीं देख रहे हो साडा चैनल PB7 मॉडिफायर्स। जदों मोटरसाइकिल साडे कोले पहुंचा तो उदों उस टाइम इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब सी ते इह जिहड़ा मोटरसाइकिल का कलर बेसिकली मैट फिनिश आउंदा जी तो जदों साडे कोल आया तो इसका मैट जिहड़ा खत्म हो चुका सी ते ये ऑलमोस्ट ग्लॉसी फिनिश आ चुका सी ते हर एक पैनल तो इसका पेंट जिहड़ा टक पे हुए सी पेंट पील ऑफ होया होया सी ते इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पूअर सी जो कि तुसी वीडियो दे विच नाल नाल देख भी पा रहे होंगे। असी इहनूं रिस्टोर करन लई इहनूं पूरा डिसमेंटल करता ते इहनूं हर एक पार्ट नूं असी फैक्टरी स्पैक्स ते रिस्टोर कीता। इस मोटरसाइकिल की रेस्टोरेशन के काफ़ी सारे पार्ट्स नवे भी लगे ने जो कि रॉयल एनफील्ड जैनुइन लगे ने तो ओनर्स वालों प्रोवाइड किए गए ने। असी केवल ये पेंट जॉब की है तो असी इनू लैडर पेंट नहीं किया, इनू बेसिकली इहदा फ्यूल टैंक ये टप्पे तो ये चीज़ा जड़ियाँ पेंट हुई ने। हुण असी तुहानूं डिटेल्स में दिखाने आ कि इहदा असी की काम किया तो की क्वालिटी जी असी अचीव कर पाए। फ्रंट एंड तो आप जो शुरू करिए तो सब तो इंपोर्टेंट ये जोड़े रिम्स ने जी, ये पहला कोई होर टाइप के अलॉय व्हील्स पे हुए सी सो अपग्रेड करके ये अलॉयज जोड़े वो चेंज किए गए हैं। नवे डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स आए हैं जी कस्टमर की चॉइस के हिसाब नाल। जिहड़ा इहदा फ्रंट मडगार्ड आ जी ये पुराना ही है, ये डेंट्स से स्क्रैचेस सी इहनूं असीं रिपेयर किया। मैं तुहानूं एक चीज़ होर दसनी चाहुंदा कि असीं इस पूरे मोटरसाइकिल की रेस्टोरेशन दे विच कोई भी शीट मैटल का पैनल रिप्लेस नहीं किया, ये सिर्फ इनू एक्सेसराइज किया तो एक्सेसरीज इहदियां रिप्लेस होईयां ने। वो भी जड़ियाँ बेयर मिनिमल जड़ियाँ आपां नूं लाउणियां पईयां जड़ी नैसेसरी एक्सेसरीज सी सिर्फ उही जड़ियाँ असीं इहदे च नवीआं लाईयां ने। जदों मोटरसाइकिल साडे कोल पहलां पहुंचा तो इहदे च एक कस्टम LED जिहड़ी अजकल बाजार च आउंदियां ने उदां दी लाइट लगी हुई सी बट क्योंकि असीं इहनूं फैक्टरी स्पैक्स ते रिस्टोर कर रहे सी सो असीं एमिकेबली ओनर्स दे नाल आही डिसाइड होया सी कि असीं इहनूं जिहड़ी ओरिजिनल हैडलाइट जिद्दां आउंदी सी इहदी सो उही असीं हैडलाइट लाई है जी। एंड फैक्टरी का ही सारा समान लग्या होया जी, रॉयल एनफील्ड पैकिंग्स दे विच ही सारा समान आया इस मोटरसाइकिल का। सो हैडलाइट असी ओरिजिनल वांग रिस्टोर करती, आ छोटियां लाइट्स जिहड़ियां ये ओरिजिनल ही ने जी, इन्हां 'च कोई चेंजेस नहीं हुईयां। अराउंड 42,000 किलोमीटर्स चलिया होया एंड काफ़ी लंबे रोड ट्रिप्स किए हुए हैं इस मोटरसाइकिल ने। जो मोटरसाइकिल साडे कोल आया तो उदों इहदे ORVMs भी जिहड़े आ रेयर मिरर्स नहीं सी लगे हुए सो दोनों RVMs इहदे नवे रॉयल एनफील्ड तो लगे ने। फ्यूल टैंक जिहड़ा बेहद खराब हालत 'च सीगा ते असीं इहनूं सेम उही कलर जो फैक्टरी तो आउंदा सी डेजर्ट स्टॉर्म का से उही कलर असी मैट फिनिश लैके गए। ओरिजिनल मोनोग्राम्स आह वाले मोनोग्राम्स ये नहीं सी आउंदे उदों सो ये नवे मॉडल के मोनोग्राम्स ने तो वो असी ये यूज़ किए। ईवन आ जोड़े टैंक पैड्स ने ये भी ये देसी भी मिलते हैं मार्केट्स बट ये ओनर्स ने बड़े एफर्ट्स किए जी, थोड़े डिफिकल्ट हो रहा सी सामान सोर्स करना 500cc का बट ये वाले भी ओरिजिनल मिले ने जी। ये दोवें सीट्स रिप्लेस हुई, इधर अपना की सैट जिहड़ा चाबी का सैट होंदा टैंकी ढक्कण ते बाकी होर जिन्ने जिन्ने भी लॉक सैट वो सारा कंप्लीट इहदा रिप्लेस होया जी। मीटर्स दोवें पुराने ने। इधरों लाइटिंग वाले स्विचेस जिहड़े अपने रेस वाले मुठ्ठे ते उधरले पासे क्लच साइड दे लीवर्स वगैरह ये सारे इहदे नवे पए ने। बेसिकली ये इस करके नवे पाने पए क्योंकि इन्ने सालां च वेयर एंड टेयर हो जांदी, एलुमीनियम दे हुंदे ते लूज हो जांदे ने सो वो चीज़ां सानूं रिप्लेस करनियां पईयां। दोवें सीट्स दियां गद्दियां बह चुकियां सी सो इस करके जेन्युइन सीट्स इहदे च लगियां ने। इस तो लैदा कोई ज़्यादा मेजर चेंजिस ये नहीं की गई हैं तो ना ही कोई मेजर पार्ट्स ये रिप्लेस होए ने। लाइट्स जरूर नवी लगियां ने। पिछले पासे आ जिहड़ा फ्रेम है इनू असीं रिस्टोर करता, सिर्फ नंबर प्लेट का आला उपरली प्लेट नवी लगी आ। जिन्ना भी इंजन तो बफिंग एंड बाकी जिन्ना भी पार्ट आ वो सारा असीं ओरिजिनल रखने की कोशिश की है तो उन्होंने असीं सारे इत्थे अपने इन हाउस ही रिस्टोर किया जी। बिल्कुल डल हो चुका होया सीगा, कोई चमक नहीं सी इहदे पूरे तरीके नाल। ये हुण क्रोम वांग रिफ्लैक्ट कर रहा है तो सर्फेसिस। अगर आप इंजन साइड से गल करिए तो इस यदा बिल्कुल इंजन परफेक्ट कंडीशन सीगा, कोई भी मैकेनिकल जॉब्स नहीं हुई, एक नॉर्मल सर्विसिंग तो लैदा। तो यह जरूर है कि जो मोटरसाइकिल आया तो इनू कस्टम एग्जॉस्ट लग्या होया सीगा जिनू कि असी दोबारा ओरिजिनल कन्वर्ट करता, ओरिजिनल एग्जॉस्ट लग गया होया इनू हुण मुड़ के। तो इस मोटरसाइकिल का पेंट जॉब इन्नी परफेक्ट हुई है कि इनू तुसी किते मर्जी लै जाओ तो कोई मर्जी बंदा नूं दिखा दिओ, इनू देख के कोई कह नहीं सकता भी ये कोई पेंट जॉब्स हुई ने। हाँ ये जरूर है क्योंकि हुण अज कल जे इस तरह के मोटरसाइकिल आ रहे तो उन्होंने इंजन ब्लैक आ रहे हैं, सो ये करके हो सकता लोग अंदाज़ा ला लैन कि ये कुछ इदा दी चेंजिज की गई। अदरवाइज़ पेंट जॉब इनू आप एक परफेक्ट पेंट जॉब कह सकते हैं। तो इस मोटरसाइकिल को रिस्टोर करने सानू तकरीबन 20 दिन का टाइम लग गया जी। पर 20 दिन भी इस करके क्योंकि ये ओनर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा जी समान इकट्ठा करने। जसकरण जी साढ़े पुराने क्लाइंट भी ने जी, हुण साढ़े दोस्त बन चुके ने। भाजी ने सानू बहुत सारा समान, रादर सारा समान ही भाजी ने खुद प्रोवाइड किया जी। तो इन्हों का भी एक्सपीरियंस तो साढ़े बारे एक आप रिव्यू मैं चाहूँगा कि तुसीं जरूर एक पोस्ट कर दो, क्योंकि नॉर्मली असीं रिव्यूज़ पाते नहीं है जी। बट एक अनबायस्ड रिव्यू आ जी जिहड़ा मैं चाहूँगा कि भाजी रिव्यू दे देण। सत श्री अकाल जी, मेरी इन्हां दे नाल दूसरी जॉब है। इस तो पहला असीं एक जीप नूं हार्ड टॉप करवाया सी, थार नूं 15 मॉडल नूं इन्हां कोल छड्ड के गए सी। एंड जदों मैं आया सी ते जदों भी किसी नाल गल हुंदी सी ना वो कहिंदे सी वी लोकी जलंधर नूं जांदे आ ते तुसीं जलंधर तो हुशियारपुर आ रहे हो, इदां दा की आ। एंड वो जीप जदों लिजा के असीं खड़ी कीती ना ते लोकी देखण आउंदे सी वी इदां दा वधिया काम किहने कीता। ईवन हुशियारपुर के बंदे भी मैनूं एक दो ने कहा कि तुसीं जलंधर हुशियारपुर क्यों आ रहे हैं। काम की क्वालिटी एंड इन्हां दी डेडीकेशन। मैं कई बार गल होंदी है कि मैं सोचता हूँ कोई भी काम करने लिए बंदे नूं शौक होना चाहिए। जे सानूं शौक आ तो शौक कमाउण लई काम, शौक नूं पूरा करने लई पैसे चाहिए आ। एंड हुण जिहड़ा इन्हां दा काम आ ये शौक नाल काम करदे आ। शौक नाल काम करन करके काम दे विच क्वालिटी बहुत आ, बहुत सोहना काम कीता जी। एंड मोटरसाइकिल आ मैं बहुत औखे ये पार्ट्स अरेंज किए आ। एंड कंपनी वाले भी मैनूं कहिंदे सी भी नहीं हो सकता इदां दा रिस्टोर। बहुत सोहना काम किया, मैं बहुत खुश हाँ जी इन्होंने काम तो। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। 500 के पार्ट्स थोड़े जे क्योंकि 350 के नॉर्मल रूटीन बाइक्स के स्टैंडर्ड के मिल जाते हैं जी। ये हर चीज़ ऑर्डर से आती है। सो भाजी ने भी बड़ी डेडिकेशन दिखाई दी, डीलरशिप से जाके ऑर्डर लवाते रहे हैं। तो उस तो बाद जिदा जिदा डीलर के एंड तो सामान आई है। तो आई थिंक चौथा पंजवां गेड़ा जी अज इन्हों का 20 दिनों की। सो ये रल मिल के हो गई जी रेस्टोरेशन, बट इट इज़ गुड आउटकम। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि बहुत सोहना बनया जी ये। तो उम्मीद करना कि तुहानूं ये रेस्टोरेशन चंगी लगी होगी। अनबायस्ड रिव्यूज़ आर ऑलवेज वेलकम। हमेशा कहना हुंदा भी जिहदा जो भी रिव्यू है या सानूं कोई सुझाव आया तो तुसीं जरूर दे सकदे हो। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।